से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका अपना नाम है जनय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाई कोर्ट के आदेश भी ईओ नगर पालिका यातायात निरीक्षक के आगे बौने। बंद बाजार जिसमें घंटाघर आजाद चौक तक घंटाघर के पानी की टंकी और तहसील रोड पर 40 से लेकर 80 फीट चौड़ी सड़कें, पुरानी नजाई बाजार सब्जी मंडी में चौड़ी सड़कें आती हैं। बाजार खुलते ही दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के आगे दोनों ओर 15 से 20 फुट अतिक्रमण कर दुकान का सामान सड़क पर रख लेते हैं। उसके बाद दुकानदार फुटपाथ के ठेले पर माल बेचने वालों को अपने आगे खड़ा करके किराया वसूली करते हैं। इन सब अतिक्रमणकारियों से अधिशासी अधिकारी यातायात निरीक्षक पुलिस अपनी दैनिक वसूली करने के लिए नगर पालिका के कुछ शहीद कर्मचारी ईओ और अध्यक्ष नगर पालिका की वसूली करते हैं। पुरानी नजाई में एक दुकानदार द्वारा जबरिया पक्के निर्माण करने को लेकर अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष नगर पालिका महावली जेसीबी मय ट्रैक्टरों को लेकर पहुंचे। व्यापारी और नगर पालिका का विवाद वीडियो भी वायरल हुआ था। ईओ की वसूली में जब दिक्कत होती तब अतिक्रमण के नाम पर महाबली मैदान में आकर अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ करा दिया जाता है। उसी स्थान पर अतिक्रमण हटाया जाता है जहां पर नगर पालिका की वसूली प्रभावित होती है। इस खेल का मास्टरमाइंड अधिशासी अधिकारी के साथ पुलिस यातायात अधिकारी की जुगलबंदी ही अतिक्रम करा रही है। ललितपुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर को और अपने आसपास की खबरों से आगाह रहने के लिए हमेशा देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।